मध्य प्रदेश के खरगोन शहर की गीता गंगा ट्रस्ट जो पिछले कई वर्षों से निशुल्क श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करा रही है, इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस साल न सिर्फ पूर्वजों का पिंडदान होगा बल्कि बांग्लादेश में हाल ही में मारे गए हिंदुओं, हमारे देश के लिए शहीद होने वाले जवानों और लावारिस आत्माओं के लिए भी यहाँ तर्पण किया जाएगा। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पंडित जगदीश ठक्कर की अगुवाई में यह अनुष्ठान कुंदा नदी के तट स्थित अहिल्या घाट पर संपन्न होगा। हमारे शास्त्रों में बताया है कि पितृपक्ष महालय अश्विन महीने में 16 दिन का पक्ष रहता है। इसमें हमारे सगे संबंधी, हमारे ज्ञात अज्ञात, हमारे गुरु, हमारे शहीद भारत के ऊपर जो हुए हैं, इन सब के पिंडदान तर्पण हम लोग गीता गंगा ट्रस्ट के माध्यम से पिछले लगातार 12-13 वर्षों से कुंदा नदी के तट पे कर रहे हैं। इसमें जो जन भागीदार भाग लेते हैं सनातन धर्म के अनुयायी, वो अपने पितरों के लिए करते हैं और साथ में फिर हम शहीदों के लिए अंजलि डलवाते हैं, उनके पिंडदान करते हैं, संतों के अंजलि डलवाते हैं और भी जिसका कोई नहीं हो। अब इस बार हम बांग्लादेश में जो सनातन के हिंदू मारे गए हैं, अनेक हिंदू मारे गए हैं, उन सबकी आत्माओं की शांति के लिए हम पिंडदान और तर्पण भी करेंगे। श्री गीता गंगा ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित जगदीश ठक्कर ने लोकल एटिंग को बताया है कि संस्था पिछले 12-13 वर्षों से कुंदा नदी के तट स्थित अहिल्या घाट पर लोगों के पितरों का निशुल्क श्राद्ध तर्पण कराती है। हालांकि लोग स्वेच्छा से कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, पूजन सामग्री भी उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। उनका कहना है कि इस आयोजन में धर्म और जात पात से ऊपर उठकर सभी को एक ही पंक्ति में बिठाकर तर्पण कराया जाता है। ट्रस्ट का उद्देश्य यही है कि सनातन परंपरा का पालन किया जाए और उन आत्माओं का भी कल्याण हो जिनका कोई पिंडदान करने वाला नहीं है। पितृ अमावस्या के दिन हम 2 अक्टूबर को आ रही है इस बार, और कुंदा नदी के अहिल्या घाट के ऊपर प्रातः 8 बजे से तर्पण का कार्यक्रम आरम्भ होगा जो 12:30-1 बजे तक चलता है। इसमें पहले जो भाग लेते हैं वो हमसे पंजीयन करवाते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं, उनको हम सामग्री, पूजन की सामग्री हमारे ट्रस्ट की ओर से प्रदान की जाती है। उनको जो देना होता है ब्राह्मण की दक्षिणा को देते हैं, तो कोई प्रतिबंधन नहीं रहता है, उनको अपनी इच्छा से वो देते हैं। और जो भी आते हैं किसी भी सनातन अनुयायी का हो, वो उसमें जात पात भेदभाव भुलाकर सबको एक ही पंक्ति में बिठाकर हम पितरों का तर्पण करें, ताकि हमारी जो तर्पण की परिपाटियां हैं ये कायम रहे, लोगों से विस्मृत न हो और हमारे पितरों का भी कल्याण हो। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों सर्वत्र पूजित जायते, पितरों का पूजन देवताओं से पहले ही करना चाहिए, पितर में वो हमारे देवता होते हैं। आपको बता दें कि इस पर सर्वपित्र अमावस्या 2 अक्टूबर को आ रही है। इसी दिन कुंदा नदी के तट पर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:30-1 बजे तक तर्पण का कार्यक्रम चलेगा। जो लोग इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वे पहले पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीयन के लिए पंडित जगदीश ठक्कर के मोबाइल नंबर 8770172588 पर संपर्क कर सकते हैं। लोकल एटिंग के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।